नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं मानसोपचार तज्ञ हूँ। आज मैं आपको निद्रा नाश या इंसोमनिया के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इंसोमनिया या निद्रा नाश, जिसे हम साधारण भाषा में नींद ना आना या स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। इंसोमनिया के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं, एक शारीरिक बीमारी यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, बीपी, या फिर मानसिक बीमारी यानी डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, एंजाइटी, पैनिक। नींद ना आना ये एक लक्षण है जिसकी अगर तीव्रता बढ़ गई तो उसका रूपांतर मानसिक बीमारी में हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को नींद ना आना यही एक तकलीफ सालों साल रहती है, बाकी उन्हें कोई भी मानसिक लक्षण नहीं दिखते। इंसोमनिया के अलग अलग प्रकार है, जैसे देर से नींद लगना या नींद बीच में टूटना या सुबह जल्दी नींद खुलना, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है। अगर हमें नींद का शिकायत कम करनी है या फिर उसकी तीव्रता कम करनी है तो हमें कुछ नींद के विशेष में नियम पालने चाहिए, जिसे हमें स्लीप हाइजीन कहते हैं। मैं अभी आपको स्लीप हाइजीन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। पॉइंट नंबर एक, नींद लेने की या फिर नींद से जागने की समय एक फिक्स कीजिए। अगर हम रात को 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे ही सोना चाहिए, और सुबह अगर 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठना चाहिए। इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। चाय, कॉफी ऐसी चीजें हमने नींद या सोते समय लेनी नहीं चाहिए। हमारे आसपास का वातावरण नींद लेते समय स्वच्छ हो। अगर हम सो रहे हैं तो स्वच्छ चादर पे स्वच्छ कपड़े पहन के सोना चाहिए। उसके बाद अगर हमें नींद आ रही है तो आसपास का वातावरण प्रसन्न होना चाहिए। आसपास में आवाज, चिल्लम चिल्ली या फिर इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, गप्पे, ये सब हमने टालना चाहिए। अगर हम रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं तो उसका कारण यह भी है कि दोपहर में कुछ लोग 2 या 3 घंटे की नींद लेते हैं, ये हमने टालना चाहिए, और वो नींद कम करके 20 से 25 मिनट ही लेनी चाहिए। ये सब नियम हमने पालने चाहिए। अगर हमको इस बारे में कोई और जानकारी लेनी है तो हम साइकेट्रिस्ट की मदद लेके उनकी सलाह ले सकते हैं। नमस्ते।